Hey everyone, and today's question is from the previous year question paper of class 10th math standard. Question number 3 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में. इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है. द रेशियो ऑफ एस सी एफ टू एल सी एम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज. तो हमें रेशियो निकालना है एस सी एफ और एल सी एम का, और किन दो नंबर्स का, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर. तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा? तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स दो से ज़्यादा होते हैं. तो जो फर्स्ट हमारा और जो सबसे कम ली कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4. और ऐसे ही लीस्ट प्राइम नंबर यानी कि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा. तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. तो लीस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2. तो अब हमें निकालना है इनका एलसीएम. पहले एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 का, यानी कि लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर का. तो क्या आएगा, 4 आएगा, एलसीएम आता है हमारा 2 और 4 का, क्या होगा 4 होगा. और एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, 2 और 4 का, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा. तो अब हमें निकालना है रेशियो एच सी एफ टू एल सी एम. तो एच सी एफ कितने रखा है हमारा 2, और एल सी एम कितने रखा है हमारा 4. तो यानी कि अगर हम इसे काटेंगे, क्योंकि 2 1 जट, अगर हम इसे ऐसे भी लिखते हैं 2/4 काट के लिखेंगे 1/2, तो वापस से अगर इसे रेशियो में लिखेंगे तो 1:2 रेशियो आता है. यानी कि अगेन इस बच्चे ने गलत आंसर लगा रखा है. आंसर होगा 1:2 रेशियो. ठीक है, एस सी एफ हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम कॉमन निकाल के निकाल सकते हैं, जैसे जैसे 2 का फैक्टर्स क्या होंगे 2 and 1, और 4 के क्या होंगे 2 into 2 into 1. ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है 2, तो एस सी एफ होगा हमारा ओनली 2. ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि 2 आ गया हमारा एस सी एफ. अब एल सी एम ये रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो बेसिकली अपॉन में रखते हैं, एस सी एफ अपॉन में एल सी एम, यानी कि 2/4 काट देंगे 1/2, यानी कि 1:2 रेशियो हमारा आंसर ये होगा फर्स्ट ए. होप यू लाइक अंडरस्टूड. अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.